अभी भी मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई नदी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखो एंड आई एम डैम श्योर कि पानी की जो आवाज़ है वो आपको भी आ रही होगी। बहुत ज़्यादा ही बहाव है इसमें। इसका क्या नाम है? सुरूर सुरू वैली। नदी का क्या नाम है? नदी का सुरू वैली। और ये है कारगिल के रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम कारगिल में, इफ़ यू हैव नॉट सीन माय लास्ट वीडियो देन कल के वीडियो की सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लेना। अभी हम कारगिल में हैं, कारगिल से जाने वाले हैं लेह। एक बुरी खबर है कि हमारे साथ जो अंकित भाई थे वो अपने घर को निकल लिए क्योंकि उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उनके फादर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो उन्हें जल्दी जाना पड़ा। और अब मैं राइड करने वाला हूँ अंकुर भाई के साथ, जिसको मैंने कल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया था, वैसे आज भी करवा दूँगा। वहाँ पर दिख रहा है पहाड़, यहाँ बादल, यहाँ पानी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट। सो गाइज आई एम रेडी। अभी राइडिंग जैकेट पहना नहीं है। अंकुर भाई भी पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। लाइट किधर गई? अंकुर भाई कुछ टिप्स तो दे दो राइडिंग का। राइडिंग का पहला रूल, आप इंजॉय करने जा रहे, दिस इज नॉट अ रेस, दिस इज नॉट अ रैली, जस्ट एंजॉय द वैली इज द मोटो फॉर टुडे। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अभी फटाफट बाइक पे मिलते हैं, बाइक पे लोड करते हैं सामान और निकलते हैं। आज बहुत ही लाइट दिन है, कोई प्रेशर नहीं है आज, क्योंकि परमिट्स हम कल अप्लाई कर सकते हैं। यहीं तक जाना है, एंजॉय करते जाना है आराम से। चल। The name of the hotel was Silk Routine and I recommend everyone, अगर कोई भी आप आते हो तो कारगिल में आप यहाँ रुक सकते हो। They are very nice people, one like for them and Ankur Bhai has left, now it's my turn. This is Suru Valley and this is Suru River. आज का हमारा स्टॉप है लेह, जो कि यहाँ से 200 plus 230 के आसपास किलोमीटर है। अंकुर भाई इज गुड इन फोटोग्राफी, उनका इंस्टाग्राम हैंडल द स्पिरिटेड बाइकर के नाम से है, तो आप एक बार चेक कर लेना। यूट्यूब चैनल भी है द स्पिरिटेड बाइकर के नाम से, तो वो भी चेक कर लेना। एंड ही इज़ अ परमानेंट टूर काइंड ऑफ पर्सन, वो बहुत ही ज़्यादा टूर करते हैं। 40 दिनों के टूर पे फ़िलहाल निकले हैं, तो जाओ यार उनको SJVLOGS के फैमिली की तरफ से थोड़ा बहुत प्यार दिखा दो, ज़्यादा भी दिखा सकते हो। दिस इज़ कारगिल सिटी एंड यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसके कारण ये थोड़ा सा कंजेस्टेड सा है। देखो कितने सारे कार वगैरह लगे पड़े हैं, दैट मीन्स पॉपुलेशन थोड़ा यहाँ ज़्यादा है। बाय द वे टुडे इज़ आवर 4th डे ऑफ द राइड। अगर आपने बाकी 3 दिनों की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, सारी लिंक्स मिल जाएगी आपको। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। दिल से 2 रास्ते जाते हैं, एक चला जाता है ज़ंस्कार को और एक चला जाता है लेह। तो दिस इज़ द लेह वाला रोड एंड दैट इज़ ज़ंस्कार वाला रोड। तो अभी हम इधर जा रहे हैं। एंड अंकित भाई, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, विच आई एम डैम श्योर दैट यू आर वॉचिंग, तो भाई आई एम मिसिंग यू सो मच। आप जिस तरह से आगे जाते थे, मुझे गाइड करते थे, आई एम मिसिंग दोज थिंग्स वेरी मच। रोड्स आर नाइस लेकिन कर्व बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, यहाँ पे थोड़ा ठंड है एज़ कम्पेयर टू कारगिल। कारगिल में धूप निकली थी बहुत तीखी, लेकिन यहाँ पे धूप नहीं है। हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। तो रेन लाइनर पहना है मैंने, रेन लाइनर के कारण मुझे अंदर अभी थोड़ा फील नहीं हो रहा है, बट आई गेस आगे और ठंड आने वाला है। एंड आज मुझे अंकुर भाई ने कहा कि थोड़ी बहुत वाटर क्रॉसिंग भी आएगी। वैसे सितंबर में ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग मिलते नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वापस पीछे जा रहे हैं। क्योंकि वी हैव टू सी वाखा मॉन्स्ट्री और वो थोड़ा सा आगे आ गए थे हम गलती से. एंड दिस इज़ द रोड फॉर वाखा मॉनेस्ट्री. अंकित भाई देखो क्लच नहीं दबा रहा. थोड़ा वाटर क्रॉसिंग भी है. गिरना नहीं है, 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 मुझे गिरना नहीं है. मुझे सही सलामत आना है, सही सलामत जाना है. इस प्लेस से हम नीचे उतर गए थे, हमें ऊपर जाना है और ये लेडी फिर कह रही नीचे जाना. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि ये रोड थोड़ा सा डरावना है. यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर बहुत ज़्यादा ही हैं जिससे टायर स्किड हो रही है. बट सो फार आल से राइड इज़ गोइंग सो स्मूथ. इस पहाड़ के बीच में एक मॉन्स्ट्री बनी हुई है जिसका नाम है गोम्पा मॉन्स्ट्री. पहाड़ों के बीचों बीच बनाया गया है वो. सो दिस इज़ गोम्पा मॉनेस्ट्री. और ये मेरी पहली मोनेस्ट्री एसजे ब्लॉग के साथ है और हमें वहाँ जाना है. और अभी इन्होंने यहाँ पे जो स्टाफ है इन्होंने बताया कि मोनेस्ट्री बंद है. और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर भी हम ऊपर तक जाके देखते हैं. आए हैं तो एक बार विजिट करते हैं. चलिए. मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अभी अंकुर भाई ने बताई कि मुस्टैंग में जब ये गए थे जो मॉन्स्ट्री बनी हुई थी वहाँ के लोकल्स ने बताया कि एक्चुअली अपर मुस्टैंग की बात है, मैं लोअर मुस्टैंग तक गया था. तो वहाँ पे जो मोनास्ट्री थी जो पहाड़ के बीच में बनी हुई थी वहाँ पे मॉन्क्स उड़ के जाते थे. तो हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं कि कौन सा रास्ता है, बस मोनास्ट्री देखी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. इन पहाड़ों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लकड़ी के पहाड़ है और दीमक खा गई है. एंड देयर इज़ अ रीज़न कि भाई ने अपने चैनल का नाम द स्पिरिटेड बाइकर क्यों रखा है, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं, बाहर से निकल लेता. लेकिन इनका ये कहना है कि नहीं, आए हो तो देख के जाओ, फिर पता नहीं कब आए नहीं आए. तो इट्स अ रीज़न इनके चैनल का नाम है द स्पिरिटेड बाइकर. द स्पिरिटेड ट्रैवलर रख लो आप. कितने दिन हो गए आपको बाइक चलाते हुए? अराउंड 3 ईयर्स हो गए. और 3 ईयर्स में टोटल राइड कितनी? अराउंड 41,000 करी है मैंने. 41,000, दैट्स अ ह्यूज. सो दैट वाज द मॉनेस्ट्री. अब पता नहीं उसका रास्ता किधर से और लोगों ने बनाया कैसे होगा उसको ऊपर जाके. सो वी मेड इट टू गोम्पा मॉनेस्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ताला लगा हुआ है. बट कोई भी काम करो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता ही है और उसमें इसमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि यहाँ से व्यू काफ़ी अमेजिंग है. इस कॉर्नर से दिखाइए, इस कॉर्नर से आपको दिखेगा. So these views are so amazing and we are heading back. We have taken a small break. कोई ढाबा सा है. और क्या जगह बताया भैया? कौन सा? बुद्ध खरबू. ये जगह का नाम है बुद्ध खरबू. और अभी खाना खाने वाले हैं. खाना है रोटी, दाल एंड सब्जी अलॉन्ग विथ सम प्याज एंड मिर्च. सारे कैमरा बैटरी सब कुछ चार्ज पे लगा दिया है क्योंकि ठंड इलाके में क्या होता है कि बैटरी कुछ ज़्यादा ही डिस्चार्ज होती है, ड्रेन होती है एज इन. एंड अचानक से पारा बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है. मुझे लगा सिर्फ मुझे लग रहा है, लेकिन अंकुर भाई ने भी सेम बात कही, आपको भी ठंड लग रही है. इन्होंने तो लग रही है और मैंने नेक वार्मर ले लिया और मैंने अभी कैप रखी यहाँ पे जो मैं, क्योंकि अभी हम ढाबे के अंदर हैं, बाहर थोड़ी हवा तेज है, हवा बहुत चिल्ड है. कैप है मेरे पास, कैप लगा सकता हूँ. कैप लगानी चाहिए क्योंकि सर पे ठंड लगेगी. तो हेलमेट में क्या होता है आप कवर हो जाते हो, लेकिन आप जैसे बाहर खड़े हो थोड़ी देर के लिए तो बेटर रहता है कि आप. कैप तो है मेरे पास, वो कैप बहुत मोटी है. देखता हूँ ट्राई करके लगती है कि नहीं. पहले खाना खा लेते हैं फिर कुछ ट्राई करेंगे. सो दिस वॉज द पंजाबी ढाबा. और भी बाइकर्स हैं यहाँ पे. हमारा खाना हो गया, फूड वॉज ओके, दाल वॉज एक नंबर, सब्जी वॉज बेकार. ये पेट्रोल पंप है एंड दिस इज़ द हाईएस्ट FPD ऐसा लिखा हुआ था. आई गेस FPD मतलब फ्यूल पेट्रोल समथिंग ही है, फ्यूल पेट्रोल डीजल, क्योंकि वहाँ पे इंडियन ऑयल का भी साइन बना हुआ था. तो दिस इज़ द हाईएस्ट फ्यूल पेट्रोल डीजल स्टेशन maybe in India. यहाँ पे मैंने इसलिए ब्रेक लिया है कि आपको यहाँ का व्यू दिखा सकूँ, कितना अमेजिंग है। देखो वहाँ से पहाड़ से बादल, पहाड़ों पे टकरा टकरा के जा रहे हैं। ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग मैन। आई स्टॉप्ड अगेन टू शो यू गाइस कि वहाँ पे मुझे थोड़ी सी बर्फ दिख रही है एंड बादल भी। दिस प्लेस इज फोटू ला टॉप विच इज द हाईएस्ट पॉइंट एट श्रीनगर लेह रोड। अभी वहाँ का बोर्ड वोर्ड सब देखा मैंने। इट्स रियली हाईएस्ट एंड इट्स टू कोल्ड मैन। ये सच में बहुत ज़्यादा ही हाईएस्ट है और ठंड भी बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पे। अभी तक तो वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि बारिश नहीं हो रही है। वैसे बारिश होगी भी तो वी आर रेडी फॉर द रेन, बट स्टिल नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा रोड यहाँ पे लगता है गड़बड़ सा मिलने वाला है, ऐसी फील आ रही है मुझे। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी और नॉट, मुझे एक रेनबो दिखाई दे रही है और वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है मैन, बहुत ही ज़्यादा। ओह माय गॉड, यहाँ से लेके वहाँ तक का रेनबो दिखाई दे रहा है। So guys, this is Lamayuru ना, and speciality क्या है इसकी? It's a popular, very famous monastery. Oh, तो it's a very popular monastery। अब क्या कहानी है वहाँ जाके पता करके आपको बताते हैं, बट जो भी कारगिल से लेह तक जाता है तो वो एक बार रुकता जरूर है। तो बस रुकना है, स्टोरी देखनी है, स्टोरी बतानी है। चलो फिर चैनल सब्सक्राइब करिए। हाँ नहीं, ये तो मैं बहुत बार मैंने बोला भाई को, मैं कुछ प्यार व्यार दिखाओ SJVLOGS के फैमिली की तरफ से। अच्छा SJVLOGS अगर पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज दिस इज आवर नेक्स्ट हॉल्ट फॉर द डे और जगह का नाम है Lamayuru Monastery, यूरो गोम्पा। इसके टिकट लगते हैं 50 रुपये एंड दिस इज वेरी ओल्ड एंड फेमस मोनेस्ट्री। अगर आप कारगिल से ले जा रहे हैं तो यहाँ पक्का रुक। एंड द व्यू, रुकने की जगह है। हाँ यहाँ भी रुकने की जगह है, यहाँ भी रुकने की जगह। रुकना है तो आप यहाँ आके रुक सकते हो, है ना, आराम से। मिलिट्री का होटल है। हाँ एंड व्यू फ्रॉम हियर इज अमेजिंग। अभी पीछे रेनबो भी था, मुझे नहीं पता आपको कैमरा में दिखा नहीं दिखा, पर फोटोज लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि लेट हो रहा है और हवा भी चल रही है। देखो मैंने कैप लगाया, इसका मतलब ठंड तो लग ही रहा है। बूट्स के कारण मैं अंदर नहीं गया क्योंकि बूट खोलने के बाद फिर बहुत ज़्यादा ही नाटक होता तो, और टाइम लैप्स भी लेना था तो टाइम लैप्स लेने लग गया और अभी बंद भी हो गया। तो अभी हम वापस जा रहे हैं लेह, वापस क्या जा रहे हैं, पहली बार ही जा रहे हैं और 120 किलोमीटर से अभी 5:30 बज रहे हैं। हाँ ना करते हुए फिर से लेट हो चुके हैं हम, फट चुकी है हमारी। बाकी अभी डायरेक्ट फिर बाइक पर मिलता हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है व्लॉग करने का ऐसे कैमरा लेके। So we are exiting the monastery। अब यहाँ से डायरेक्ट हमारा अगला स्टॉप होगा लेह, जो कि 120 किलोमीटर है एंड राइट नाउ इज़ 5:44, तो थोड़ा टाइम लगेगा हमें। सो ओवरऑल आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा था एज इन काफ़ी मज़ा आया हमें। अब मेरे ख्याल से यहाँ एक फ़ोटोज़ आनी चाहिए बट नहीं। इट्स इज़ वेलकम टू Lamayuru। This is moon land, we have taken a small halt। भाई फोटोज क्लिक कर रहे हैं। अंधेरा होने वाला है और अभी करीब 60 किलोमीटर और रह रहे हैं लेह के लिए, 60 से कम ही रह रहे हैं इनफैक्ट। तो मुझे लग रहा है कि अंधेरे में व्लॉग करके कोई मज़ा नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्ट शायद आपको लेह में मिलूँ या उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग हो तो मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी लेह रह गया 62 किलोमीटर और अभी बज रहे हैं 7:03। तो अब डायरेक्ट मिलेंगे हम लोग लेह में अपने रूम पे, या फिर देखते हैं जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होता है। देखना नहीं था मुझे, मैं बस पूछ रहा था। सो गाइज हमने रूम ले लिया है एंड रूम हमने लेह सिटी में लिया है। रूम का नाम पता नहीं, मैं देख के बताऊँगा। होटल कुछ होम स्टे, हाँ होम स्टे। और खाना वाना भी खा लिया है, भैया ने खाना दे दिया। अंकित भाई यहाँ पे सो रहे हैं और मैं हंस रहा हूँ। सॉरी, अरे मेरे मुंह से बार बार अंकित भाई का नाम निकल रहा है, 2 दिन से आदत थी। अंकित भाई आप ये वीडियो पक्का देख रहे होंगे, तो अंकुर भाई ने आज जो बाइक चलाई है प्लेन्स में 70, 80, 90, ये मतलब क्या बोलूँ। और जब हिली रीजन था तो 50 के नीचे आ ही नहीं रहे थे। मुझे लगता है आपको गलत फहमी है कि ये बाइक स्लो चलाते हैं। आज तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही कोप अप किया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये था लद्दाख एपिसोड का, लद्दाख टूर का एपिसोड नंबर 4। एंड कल हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे। कल थोड़े बहुत कुछ प्लेसेस देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक कर देना। और बाल को थोड़ा इग्नोर करो, वो हेलमेट के कारण हो गया है। कल जाएंगे हम मैग्नेटिक। कल जाएंगे हम मैग्नेटिक की। और कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले। जो सारे फ़ोटोज़ मैं ले रहा हूँ इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल दिन के लिए बाय बाय, गुड नाइट।